खबरें विस्तार से। जहां नक्सली मंगरू मडावी को गिरफ्तार करने में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली पर 2 लाख का इनाम था। पुलिस उपविभाग अहेरी अंतर्गत आने वाले उपपोस्ट पेरमिली में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पेरमिली जंगल परिसर में विशेष अभियान पथक गढ़चिरौली के जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया। इस बीच जहाल नक्सली मंगरू कटकू मडावी को गिरफ्तार करने में गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस नक्सली ने इससे पहले कई निर्दोष लोगों की हत्या की, साथ ही पोस्ट पर हमला करने के कई अपराध किए हैं। अति संवेदनशील मौजा विसामुंडी पोम के नारगुंडा तहसील भामरागढ़ का रहने वाला नक्सली मंगरू मडावी पेरमिली एलओएस में पेरमिली एलओएस के सदस्य पद पर भर्ती होकर ऑक्शन टीम मेंबर के रूप में कार्यरत था। साथ ही प्रतिबंधित दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन का वरिष्ठ कॉडर था। इस नक्सली पर 3 हत्या, 1 मुठभेद ऐसे 4 गंभीर मामले दर्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा था। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक सोमय मुंडे, सहायक अपर पुलिस अधीक्षक समीर शेख समेत अपर पुलिस अधीक्षक अहेरी के नेतृत्व में की गई। कल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें हमको ये पता चला था कि पेरमिली दलम का दलम सदस्य मगरू माड़ावी जंगल एरिया में, पेरमिली जंगल एरिया में है। वहाँ पर हमने अपने पार्टीज भेजे और वहाँ पे हमको ये मिला, इसको हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर राज्य शासन ने 2 लाख का बख्शीश जाहिर किया था। उस एरिया में बहुत सारी घटनाएं करने में इसका सहभाग था। अभी हाल ही में हमारे बुर्गी आउटपोस्ट पे 2 राउंड फायर करने का जो गुनाह दाखिल है उसमें भी ये था। उसके अलावा बुर्गी के माजी उपसरपंच रामा तलांडी का जो मर्डर हुआ उसमें भी इसका रोल था। उस एरिया में होने वाले सिविलियन मर्डर्स, पुलिस पर एम्बुश लगाना, इस तरह का छोटा मोटा फायरिंग करना, उसमें ये काफ़ी सक्रिय रहता था। अभी हम इसको और पूछताछ कर रहे हैं तो और किस किस मामले में इसका सहभाग था वो हमको धीरे धीरे पता चलेगा।